सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और इसमें तो आप क्या कौन रोक सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो, और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो हम पूछताछ से क्यों डर रहे हैं, कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। राजघाट तक जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं मिली? अरे एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे? ये कहां, ये अच्छे संकेत थोड़ा ना हमारे लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, पदयात्राएं करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं? पूरे भाई विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है, संसद में चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे, आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपकी एजेंसी विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं, इसका विरोध हम कर रहे हैं।